सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ स्विंग ट्रेड्स यहां पे शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज फ्यूचर्स में एंटर किया है। एक कल एंटर किया था और एक आज ही मैंने एंटर किया है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू गाइस एज वेल, ताकि आप लोग भी इस पर प्रॉफिट कर सको। बट हाँ, ये सब मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ये पोजिशंस आज बनाई हैं। आप में से काफ़ी लोग का बोलना था कि फ्यूचर्स सीखनी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे फ्यूचर्स का कंटेंट आप लोग के लिए ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो पोजीशंस बनाई हैं वो कोई भी किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अब आगे आपकी ये रहेगी जिम्मेदारी कि आप खुद जाके पहले एनालिसिस करोगे, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको ट्रेड सूट करता है कि नहीं, आप उस पर इतना पर्टिकुलर रिस्क ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, राइट। तो सब कुछ प्रॉपर चीज़ें करने के बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी है सब ब्रोकर वाली की, कैसे सब ब्रोकर बना जाता है, उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा कैसे बनना है, कैसे एंजल वन पे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इस पे स्टोरी है छोटी सी कैसे मैंने किया था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के साथ। तो जो सबसे पहला स्टॉक है लाल पाथ लैब्स, ये मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ, बट सबसे पहले मैं अगर मैं पोजीशंस दिखाऊँ तो आप लोग देखो मैंने आज इसमें फिर से पोजीशंस एक लॉट के साथ बनाई है, ठीक है। ऑर्डर्स में आप देखोगे तो लाल पाथ नवंबर फ्यूचर्स मैंने 2571 पे आज फिर से एक एंट्री बनाई है, और दो लॉट्स के साथ मैं बजाज फिनजब नवंबर फ्यूचर्स होल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने कल बनाई थी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी दो स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स में, बाकी सारे होल्डिंग्स में हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था, मेरा पूरा कैपिटल एक्चुअल में जो मैंने बोला था रियल इस्टेट वाला उसमें फंस गया था, और फिर आके होल्डिंग्स में, तो अभी थोड़ा थोड़ा रिलीज होते जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं वापस से फ्यूचर्स में कैपिटल अपने डिप्लॉय करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज इट, ये पोजिशंस हैं, इनका मैं एनालिसिस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो जरूर देख के जाइएगा। और जिसको स्विंग कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप में से काफी लोग बोले थे कि जो आप ट्रेड्स लेते हो वो एक्चुअल मार्केट टाइम पे, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के साथ भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करो और मुझे बता देना जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे या टेलीग्राम पे कि आपने हमारी लिंक से ओपन किया अकाउंट, तो मैं आपको फ्री में ऐड कर दूंगा, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने टाटा कंज्यूमर दिया था 829 के प्राइस पे, ठीक है, 829 के प्राइस पे ये दिया था, और आज आप देखो तो आपके सामने है ऑलमोस्ट, ये अभी 924 चल रहा है, 930 के आसपास हाई बना चुका है। और फिर इसके साथ मैंने बजाज फिनजब भी कल ही शेयर कर दिया था, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ शेयर कर दिया था, तो ये मार्केट टाइम पे ही मैं सब कुछ ये चीज़ें जो है स्विंग कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। तो समझ लेते हैं सबसे पहले एनालिसिस की, किस एनालिसिस के बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड्स दे रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा रिमूव कर लूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि पर्टिकुलर, यार मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है पहले, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे कि यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। सबसे पहला तो देखो ये बहुत बड़े करेक्शन जोन पे है, ठीक है, क्या करेक्शन जोन पे है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्या चीज़ें हुई हैं कि पर्टिकुलर जो इसका हाई था उससे अगर अभी हम देखें तो 39%, अगर हम इसका और पीछे जाते हैं तो इसने जो सबसे इसने लो बनाया था तो 58% तक का लो इसने बना दिया था, मतलब जो इसका पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई था वहां से ये 50% तक के 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पे अवेलेबल था। अभी धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पे हमें वापस से दिखाई दे रही है, राइट। अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम जब भी अगर कोई भी पैटर्न बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलिश पेनेंट, डबल टॉप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो भी पैटर्न बनाते हैं हम सबसे पहले फिबोनाची का यूज़ करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ जैसे यहाँ से अगर आप देखो तो ये करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ से बना, राइट। तो अब अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची को लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ये ज़्यादा करेक्शन तो नहीं दे रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा करेक्शन से मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से फॉल कर जाता, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट गाइज, ओके, मान लो देखो ये यहाँ से करेक्शन ले रहा है, अगर ये 0.786 तक की लेवल्स को भी टच करता तो फिर मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन हो जाता और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको रिकवर होने में। लेकिन अभी आप देखो तो 0.6 की लेवल्स के आसपास से वापस से इसने अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट किया है, सो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग इट एज अ स्विंग ट्रेड, राइट। अब इस पर हम देखते हैं कि क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेंगे, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन गया, राइट। कैसे रेजिस्टेंस बन गया, ये पर्टिकुलर पहला ये हो गया रेजिस्टेंस जोन, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे देखो दो तीन बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेता गया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया है। अब आप चाहो तो इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड,
फिर राइट शोल्डर, ये फिर आप डबल बॉटम बोल सकते हो कि ये लेफ्ट बॉटम हो गया, ये राइट बॉटम, तो डबल बॉटम। तो दो तीन कन्फर्मेशन देखो, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में ना हमें प्रॉपर पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें प्रॉपर तरीके से अपना दिमाग और एनालिसिस लगा के ढूंढना पड़ता है, राइट। तो हम ये दो तीन चीज़ें देख गई कि यार पैटर्न का भी अच्छा खासा है, फिबोनाची पे भी अच्छा खासा सपोर्ट इसने लिया हुआ है। नाउ उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या था कि इसने बहुत अच्छा, इस जोन पे इसका रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगेन इसने रेजिस्टेंसेस लेना स्टार्ट किया और अभी फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अभी इसने क्या कर दिया है, फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर हम ऐसे अगर इसको मार्क करें हॉरिजॉन्टली, तो अब इसमें रेजिस्टेंसेस कंटिन्यूसली बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद अगर हम देखें इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो अब रेजिस्टेंसेस ऐसे है ना कि अगर स्टॉक फॉल हुआ है और जब वो रिकवर कर रहा है तो रेजिस्टेंसेस तो मिलेंगी, क्योंकि जब प्रीवियस में जब इसके यहाँ पे जो लोज बने हैं तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। जैसे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी इंट्राडे करोगे तो उसमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जब भी फॉल होता है और वापस रिकवरी आती है तो जो प्रीवियस ये कैंडल्स होती हैं फॉल वाली, वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती हैं, लेकिन वहां हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, दैट्स द थिंग, राइट। तो यहाँ पे एंट्री मैंने बना ली है और एंट्री ऑलमोस्ट इसी कैंडल पे, अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट पे है, ठीक है, बस ₹1 का डिफरेंस है। और हमेशा मैं एनालिसिस और मेरा जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो हमेशा मैं स्पॉट चार्ट के हिसाब से लगाता हूँ, मैं फ्यूचर्स के चार्ट पे ना स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं रखता हूँ, राइट। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर ₹50 का स्टॉप लॉस है तो मतलब जो फ्यूचर्स की लेवल मैंने बाई की है उसमें ₹50 का डिफरेंस कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल छोटा रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बिल्कुल इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए, अगर आप लोग को करना है, कि आप चाहो तो अभी सामने आप एनालिसिस अपना ओपन कर लो, अपना चार्ट वगैरह ओपन कर लो, ठीक है, और मेरे साथ यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो, ठीक है। ये पर्पल लाइन में ऐड करते जा रहा हूँ, दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड वन लास्ट थिंग, दिस इज द टारगेट। अब देखो टारगेट के लिए बात ऐसी है कि इतना बड़ा टारगेट क्या फ्यूचर्स में आएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपायरी कौन सी ले रखी है, नवंबर एक्सपायरी है, ठीक है, मैंने नवंबर एक्सपायरी में ही ऑर्डर प्लेस किया है, तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि नवंबर से पहले जाए, हो सकता है उससे पहले भी टाइम लग जाए। हाँ देखो मैं टारगेट ऑफकोर्स एज्यूम कर रहा हूँ कि ये टारगेट मिलना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम प्राइस के देखें कि कितने रुपए का टारगेट हम सोच रहे हैं इस पे, तो दैट इज अराउंड 614, तो जो कि बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत रेयर चांसेस है कि 1-1.5 महीने के अंदर आ पाएगा। लेकिन मैं ये टारगेट बस एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर क्या हो रहा ना कि मैंने ये एनालिसिस कर लिया है, अगर ये फ्यूचर्स से पहले मैं क्या करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं इतना ही लूँ, मैं 1:2 कम से कम लेके जाऊंगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं 1:2 कम से कम लेके जाऊंगा जो कि ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आएगा, ठीक है, 1:2 ये मैं लेके जाऊंगा। और जैसे ही 1:2 मेरा अचीव होगा, 1:2 अचीव होने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है मैं उसको ट्रेल कर दूंगा, मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ना मेरा प्रॉफिट होगा, ना मेरा प्रॉफिट होगा, ना मेरा लॉस होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे बड़े टारगेट्स लेने हैं तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, कि मेरा जो एंट्री पॉइंट है, मैं टारगेट्स बड़े लेने हैं, तो फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाऊंगा, ठीक है, ट्रेल करते जाऊंगा। अगर ये वापस बीच में मुड़ गया तो ठीक है, चले जाता गया तो ऑफकोर्स हम प्रॉफिट लेते जाएंगे। और हमें जो है पर्टिकुलर टाइम के पहले जो है एग्जिट करना पड़ेगा, नवंबर के लास्ट थर्सडे के पहले, तो अगर उस टाइम पे भी जहां पे भी ट्रेड रहेगा तो फिर हम एग्जिट तो करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कितना मेरा इस पे रिस्क बन रहा है, और आप अगर फ्यूचर्स पे लोगे तो कितनी आपकी रिस्क बनेगी, ठीक है। थोड़े से अगर हम कैलकुलेशंस करें तो जो हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज अराउंड, ओके ट्रेडर्स, सो मच कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा चार्ट्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, मैं एक मिनट बस इनको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बन रहा है, ठीक है। अब नोट करते जाना अगर आपको नोट करना है, तो एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ पे हुआ है, इट इज 2551, ठीक है, माइनस हमारा स्टॉप लॉस कितने रुपए पे रखा है, 2429 पे, मीन्स हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ₹122 का है। तो अगर हम ₹122 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, हमारी कितनी क्वांटिटीज आई हैं, 300 क्वांटिटीज आई हैं यहाँ पे, तो 300 क्वांटिटीज से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 300 क्वांटिटीज से, तो मीन्स 36,000 के आसपास की एक लॉट पे रिस्क है ट्रेडर्स। तो ये चीज़ देख के जाइएगा कि रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा बनती है फ्यूचर्स में, मैंने ये ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, हाउ टू मेक 1 lakh अ मंथ फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग, इसमें मैंने क्लियर एक्सप्लेन भी किया था। अगर अभी हम रिवॉर्ड करें यहाँ पे कि रिवॉर्ड कितना बनेगा, तो टारगेट देखो ये इतना तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आएगा, वो कैश के लिए मैंने रखा है, लेकिन हाँ इतना टारगेट मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगा, विच इज़ अराउंड
2824 का टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और जो मेरा एंट्री पॉइंट है दैट इज 2551, इट मींस 273 रुपीज़ का मेरा टारगेट भी है। तो अगर मैं 273 रुपीज़ को 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि एक लॉट में 300 क्वांटिटीज आ रही हैं, तो 81,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट भी निकल के आएगा। दिस इज द फ्यूचर्स ट्रेडिंग, तो रिस्क है तो सामने प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो लाल पाथ लैब इज माय फर्स्ट स्विंग ट्रेड। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का चार्ट मैंने वैसे टेलीग्राम पे एक बार शेयर किया था, तो देखो इस पे तो बुलिश पेन एंड पैटर्न बनना है, क्लियर है, और माय वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, फिबोनाची से देख लेते हैं कि जहां से ट्रेंड आ रहा है, बॉटम से लेके टॉप तक लगाएंगे तो 0.5 से इसने रिट्रेस कर लिया, ठीक है, 0.5 से 0.6 के इन बिटवीन कर लिया, थोड़ा सा नीचे भी आता तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये वैलिड एक ट्रेड हो गया कि हाँ फिबोनाची के हिसाब से परफेक्ट बुलिश पेन एंड पैटर्न बन रहा है। लेकिन इसमें चीज क्या देखो गया कि इसमें ब्रेकआउट तो आ गया है, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया है, और इस पे आप बोलो तो इसको आप कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो कि यार ये कप बन गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट आ रहा है, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप बोल सकते हो। तो पैटर्न्स तो इतने बन जाते हैं ना एक ही पे कि हम नाम ही नहीं ले पाएंगे, इतने सारे पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एंट्री मैंने ऑलरेडी कर ली है, अगर आप अभी देखोगे तो जो मेरा एंट्री पॉइंट है उससे लगभग 10 रुपये ही ऊपर चल रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं चल रहा है, या फिर आप लोग को लगे कि मैंने एंट्री बनाने के बाद तो इसके हाई पे मैंने एंट्री की है, और स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटे रखता हूँ फ्यूचर्स में, और टारगेट भी इतना ही निकल के आएगा, राइट। तो इस पे प्रॉफिट भी थोड़ा छोटा दिखेगा और टारगेट भी थोड़ा स्टॉप लॉस भी छोटा दिखेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं, तो एंट्री पॉइंट है 1654 की हमारी एंट्री पॉइंट है, राइट, और जो हमारा स्टॉप लॉस है दैट इज 1604 का हमारा स्टॉप लॉस है, मीन्स 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक लॉट में कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 500 है, मैंने दो लॉट्स लिए हैं इसलिए यहाँ पे ये 1000 दिखा रहा है, ठीक है, 500 क्वांटिटीज़ है। तो अगर 500 क्वांटिटीज से अगर हम कैलकुलेट करें कि एक लॉट अगर आप लेते हो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 500 दैट इज 25,000 की रिस्क निकल के आ जाएगी, और हमारा टारगेट है 1810 का एंड आज मेन एंट्री पॉइंट इज 1653, तो ये कितना हो गया 157, मीन्स 157 मल्टीप्लाई बाय 500, तो भाई हमारा 25,000 रुपीज़ की रिस्क के सामने 78,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इस पे 1:3 से भी ज़्यादा मिल जाएगा, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 1,00,000 रुपये अगर कमाने हैं आपको मंथली, मतलब ट्रेडिंग डेज से मंथली, तो आपको इस तरीके के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे 1:3 वाले, और होल्ड करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर माई टू स्विंग ट्रेड्स जो मैंने अभी फ्यूचर्स में लिए हैं, और मैं अगर इनमें लॉट्स ऐड करूंगा तो आई विल इन्फॉर्म दैट थिंग ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना, और अगर कोई भी नया ट्रेड में लूंगा तो उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब इन पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा, टारगेट हिट होगा तो भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है स्विंग कम्युनिटी, यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, ये वीडियो जरूर देखिएगा सब ब्रोकर वाले की, अगर आप भी लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ साइड इनकम तो ये हेल्प कर सकता है आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।